महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो। जी, हम देख रहे हैं कि कई बार आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय पे बैठक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं प्रमाण पत्र को लेकर, कि आखिर दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत निचले पायदान पर लेखपाल और तहसीलदार के यहाँ से दिक्कत आ रही है। जिलाधिकारी स्तर पर भी जो हम लोगों के पक्ष में आदेश हमेशा किया जा रहा है कि तत्काल प्रमाण पत्र जारी किया जाए, यहाँ तक कि शासन से समाज कल्याण सचिव के यहाँ से भी बार बार निर्देश आ रहा है, लेकिन सारे निर्देशों की अवहेलना लेखपाल और तहसीलदारों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि ये लोग लाभ से वंचित हो जाए। कब से मामला उठ रहा है ये प्रमाण पत्र का? प्रमाण पत्र का मामला तो जब से यह सरकार आई है बीजेपी, लगभग 4.5 साल, बीच बीच में कभी कभी बनता है, कभी कभी बंद हो जाता है। जिले की आबादी क्या होगी आप लोगों की? जिले की आबादी इस समय लगभग 1,60,000 के लगभग होगी। और प्रमाण पत्र से वंचित है? प्रमाण पत्र तो सबके पास है, कोई वंचित नहीं है, लेकिन प्रमाण पत्र पुराना है, नया प्रमाण पत्र नहीं हो रहा है। जो बच्चे आज पॉलिटेक्निक में जा रहे हैं या कोई मान लीजिए नौकरी में जा रहा है, उन लोगों का प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। यहाँ तक कि कोई नौकरी में जा रहा है तो नया प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो अब सब मिला के आंदोलन करने के बाद भी आप लोगों का कुछ हेल्प न मिला? आंदोलन करने के बाद डीएम महोदया द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिससे हम लोग संतुष्ट हो गए कि अब प्रमाण पत्र जारी होने लगेगा। यहाँ तक कि डीएम महोदया द्वारा सारे तहसीलदारों की बैठक लेकर के भी मौखिक रूप से कह दिया गया कि प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिसके पास 1356-59 फसली है उसका लेकर के। लेकिन 1356-59 फसली देने के बाद भी यहाँ पर तहसीलदार और लेखपाल साक्ष्य के अभाव में दिखा रहे हैं कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, और साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दे रहे हैं, जबकि सारे प्रमाण हम लोग दे रहे हैं, सारे साक्ष्य दे रहे हैं। आपका पूरा परिचय क्या है? मैं हरिहर प्रसाद गौड़, जिलाध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा बलिया।